नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। देखिए, स्मृति ईरानी का नाम सुनते ही आपके मन में कई सवाल कौनने लगते हैं कि आखिर स्मृति ईरानी कहाँ गायब हैं? क्या स्मृति ईरानी ने जो लगातार प्रोटेस्ट किया था 2014 के पहले, वो सिर्फ दिखावा था? ये तमाम सवाल आपके अंदर जो है कौंधने लगते हैं। देखिए, स्मृति ईरानी की तमाम तस्वीरें आप देख सकती हैं, ये अपने पति के साथ हैं, यहाँ पर ये तस्वीर देख सकती हैं, कंगना रनौत के साथ हैं। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि 2014 के पहले स्मृति ईरानी को जो है 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था, 5 रुपए के लिए जो आलू प्याज आते थे वो महंगा लगता था। लेकिन 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार आई, जब से स्मृति ईरानी को एक कुर्सी दे दी गई, उसके बाद से ना ही प्रोटेस्ट करती हैं और ना ही जनता के लिए आवाज खड़ी करती हैं। आज 1225 का सिलेंडर हो गया, इसके बावजूद भी देखा जाता है कि स्मृति ईरानी जो है सड़कों पर नहीं आती हैं। मनीष पॉल से मिल लेती हैं, मनीष पॉल से मिलने के लिए समय है, लेकिन एक महिला खिलाड़ी जो लगातार जो है सड़क पर प्रोटेस्ट करती है, बैठी रहती है अपनी हक की लड़ाई के लिए कि उसके साथ जो है यौन उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ जो है खराब तस्वीर सामने आई है, जिस तरीके से ब्रजभूषण का नाम सामने आता है, इसके बावजूद भी स्मृति ईरानी उस महिला खिलाड़ी यानी कि विनेश फोगाट से मिलने नहीं जाती, जबकि उस महिला खिलाड़ी ने कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे देश का झंडा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहरा दिया, इसके बावजूद भी वो नहीं पहुंचती, एक ट्वीट नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो स्मृति ईरानी महिलाओं के लिए बात करती थी, वो आज महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोलती है? इस देश में उनकी जरूरत है। ऐसे नेता कहीं ना कहीं अच्छा काम करते हैं, उनकी तारीफ भी करना चाहिए, लेकिन महिलाओं के लिए अगर एक महिला नहीं बोलती है तो कहीं ना कहीं राजनीति की तस्वीर गंदी हो जाती है, विशुद्ध राजनीति की तस्वीर सामने आ जाती है, और यही तस्वीर दिखाती है कि सच में हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। अगर स्मृति ईरानी विनेश फोगाट के लिए सड़क पर आती, विनेश फोगाट के लिए प्रोटेस्ट करती, विनेश फोगाट के लिए जो है आवाज खड़ी करती, तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी की छवि में सुधार आ जाता। लेकिन दर्शकों, क्या आज एक खिलाड़ी ऐसे ही जो है लगातार सड़कों पर बैठी रहेगी? ये तमाम सवाल यहां पर उठते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप बताइए कि स्मृति ईरानी क्यों अब महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाती हैं? स्मृति ईरानी क्या सच में राहुल गांधी से ही अपनी टक्कर समझती हैं? राहुल गांधी को ही चुनौती देने के लिए स्मृति ईरानी जो है राजनीति में आई है? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी का अगला कदम महिलाओं के लिए क्या हो सकता है, कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।